सोसाइटी फॉर ऑलराउंड डेवलपमेंट की एक प्रस्तुति। हमारे परिवेश में अलग अलग आकृतियों की अनेक वस्तुएं मिलती हैं। यह घड़ी है, इसके एक तल को पेंसिल से ट्रेस करते हैं। यह किताब है, इसके एक तल को पेंसिल से ट्रेस करते हैं। यह पासा है, इसके भी एक तल को पेंसिल से ट्रेस करते हैं। यह बर्थडे टोपी है, इसकी छाया को टॉर्च के प्रकाश में देखते हैं। यह कप है, इसकी छाया को भी टॉर्च के प्रकाश में देखते हैं। यह हमारे हाथ का पंजा है, इसकी छाया को भी टॉर्च के प्रकाश में देखते हैं। हमारे परिवेश में कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिनकी छाया को टॉर्च के प्रकाश में अलग अलग सतहों से देखने पर हमें दो आकृतियां प्राप्त होती हैं। हम देख सकते हैं कि जब हमने बर्थडे टोपी को दो तरफ से टॉर्च के प्रकाश में देखा तो हमें दो आकृतियां प्राप्त हुई, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि परिवेश में कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिनके ट्रेसिंग और छाया से दो आकृतियां प्राप्त होती हैं। ट्रेसिंग और टॉर्च के छाया के बाद हमें अलग अलग आकृतियां प्राप्त होती हैं। आकृतियों को उनकी ट्रेसिंग से प्राप्त होने वाले आकारों के आधार पर वर्गीकृत करें। पता लगाएं नीचे दी गई वस्तुओं की छाप करने पर कौन सी आकृति बनेगी। अब दी गई आकृति पर पेंसिल चलाकर देखते हैं। हमने देखा कि पेंसिल को बिना उठाए हमने जिस स्थान से चलाना शुरू किया था, हम उसी स्थान पर वापस पहुंच जाते हैं, अर्थात आकृति में कोई खुला सिरा नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आकृति के दोनों सिरे आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसी आकृतियां जिनके सिरे आपस में जुड़े हुए होते हैं और जिनका स्पर्श एक प्रारंभिक और अंतिम सिरा नहीं होता है, ऐसी आकृतियां
बंद आकृतियां कहलाती हैं। फेसिंग से प्राप्त सभी आकृतियां बंद आकृतियां हैं। अब दी गई आकृति पर पेंसिल चलाकर देखते हैं। हमने देखा कि पेंसिल को बिना उठाए हमने जिस स्थान से चलना शुरू किया था, हम उसी स्थान पर वापस नहीं पहुंचते हैं, अर्थात आकृति में दो स्पष्ट खुले सिरे हैं। अतः ऐसी आकृतियां जिनमें दो खुले सिरे होते हैं और जिनका स्पष्ट एक प्रारंभिक और अंतिम सिरा होता है, ऐसी आकृतियों को खुली आकृतियां कहते हैं। अक्सर बच्चे दी गई आकृति को बंद आकृति मान लेते हैं। जब पेंसिल को आकृति पर चलाकर देखते हैं तो पेंसिल दूसरे सिरे पे पहुंच जाती है, अतः ये खुली आकृतियां हैं। दी गई खुली और बंद आकृतियों को अलग अलग करते हैं। इन आकृतियों की दूसरी समानता यह है कि ये सरल और वक्र रेखाओं से मिलकर बनी हैं और इनके तल सपाट होते हैं। इन आकृतियों में केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, अर्थात इनके दो आयाम होते हैं, इसलिए ये द्विआयामी आकृतियां कहलाती हैं। दी गई आकृतियों में से त्रिआयामी और द्विआयामी आकृतियों का मिलान करें। यह आकृति चार भुजाओं से मिलकर बनी है जिसमें चार कोने हैं। ऐसी आकृतियां जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समान दूरी पर स्थित होती हैं, आयत कहलाती हैं। यह आकृति चार भुजाओं से मिलकर बनी है जिसमें चार कोने हैं, जिसकी चारों भुजाएं एक समान या बराबर हैं, ऐसी बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे हम वर्ग कहते हैं। यह आकृति तीन भुजाओं से मिलकर बनी है जिसमें तीन कोने हैं, ऐसी बंद आकृति जिसमें तीन भुजाएं एवं तीन कोने हो त्रिभुज कहलाती है। दी गई आकृति एक वक्राकार तल से बनी है। इस आकृति की कोई भुजा नहीं होती, इसलिए इसमें कोई कोना नहीं होता। ऐसी आकृतियां वृत्त कहलाती हैं। बंद आकृतियों पर क्लिक करें। खुली आकृतियों पर क्लिक करें। दी गई आकृति का नाम बताएं।
दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति आयत है? एक शतरंज बोर्ड किस आकार के समान दिखता है? सोसाइटी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट